रमेश तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें मुस्तकिल फोन कर रहा था लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था, क्यों? अच्छा, आई थिंक बैटरी डेड होगी। क्या कह रहा था? क्या बात है फरीन? हाँ हाँ, I'm all right. No, you are not all right. कोई बात तो है, तुम इतनी छोटी बात का स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मामा, ये छोटी सी बात नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि शाफे कितना नाराज होगा। मेरा नहीं ख्याल कि शाफे को नाराज होना चाहिए, क्योंकि शाफे ने खुद इरिस्पॉन्सिबल होने का सबूत दिया है, और अगर सारा रिएक्ट करती है तो वो गलत नहीं है, इसमें कसूर तो शाफे का है ना, उसे सारा को बताकर जाना चाहिए था। मामा आप समझती क्यों नहीं है, सारा आंटी उसका वहां जाना पसंद नहीं करती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने सारा आंटी को बता दिया। वेरी स्ट्रेंज, मैं इतनी परेशान हूं और आप कितना लाइट ले रही हैं इस बात को, आप हंस रही हैं। अरे मैं तो खुश हो रही हूं अपनी बेटी की सेंसिटिविटी और विजडम देखकर। मामा मैंने ठीक नहीं किया, मुझे शाफे के हवाले से सारा आंटी को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम यहाँ इतनी परेशान हो रही हो उसके लिए, और उसे देखो, उसने तुम्हें एक फोन करना तक गवारा नहीं किया। बिजी होगा, वरना आप जानती है कि शाफे इतना केयरलेस नहीं है। फरीन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तसल्ली देने की आड़ में खुद को झूठी तसल्ली मत दो बेटा। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं, फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बेटा तुम रिलैक्स हो जाओ, सारा माँ है उसकी, आखिर कब तक नाराज रहेगी? ठीक है फरीन, ऐसा करो कि तुम जाके तैयार हो जाओ, फिर हम शॉपिंग पर चलते, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ